तो इस कहानी का शुरुआत होता है रक्त घाट की राजमहल से, जिसे हर कोई मंजुलिका के खौफ के वजह से जानते हैं। आप ये सोच रहे हो मंजुलिका कौन है, तो आइए विस्तार से जानते हैं मंजुलिका कौन है। इस कहानी का शुरुआत हुई थी 200 साल पहले, जब रक्त घाट के राजमहल में एक राजकुमार हुआ करता था। मगर राजकुमार का बहुत ही अजीबोगरीब नशा था। उसे लड़कियों के कपड़े पहन के नाचना गुनगुनाना बहुत ही पसंद था, और उस राजमहल का महाराजा उसे ही उस राजमहल का नया राजा घोषित करने वाला था। मगर राजकुमार के दो बहन भी थे जो उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उसे सिंहासन जो मिलने वाला है, और वो राजा का खुद का बेटा भी नहीं था, वो उस राजमहल के दास का पुत्र था जिसे महाराजा ने अपने बेटे जैसा पाला है। इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए दो राजकुमारियां षड्यंत्र रची और छुपके से महाराज को सबके सामने बता दिया राजकुमार के उन हरकतों, और महाराज गुस्से में आके सबके सामने आदेश दे दिया उस राजकुमार को जिंदा जलाने का, और उसे सबके सामने जिंदा जला दिया गया। और यहीं से शुरू हुआ मंजुलिका के खौफ। वह अपने दो बहन से बदला लेने के लिए दरबदर भटकता रहा आत्मा बन के, क्योंकि राजकुमार की आत्मा को राजमहल के पंडितों द्वारा एक कमरे में बंद कर दिया गया था हमेशा हमेशा के लिए। तो आप चलते हैं हमारे प्रेजेंट डे में, और कहानी का शुरुआत वही से करेंगे। तो अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।